टिहरी हनुमान चौक से बोराड़ी को जाने वाली नेशनल हाईवे की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि रोड पर गड्ढे हैं या गड्ढे पर रोड है ये समझना मुश्किल है। इस रोड से मंत्री संतरी के साथ ही प्रशासन की गाड़ियां भी गुजरती हैं, परंतु उसके बाद भी NH विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार करता नजर आ रहा है। इस रोड पर काफ़ी समय से कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण रोड पूरी तरह से खराब हो चुकी है। रात के समय इस रोड पर बाइक सवार का गिरना पक्का है, परंतु NH विभाग हाथ पर हाथ धरे किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति डोभाल, आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड। मैं अभी खड़ा हूँ बोराड़ी को जाने वाली रोड में, जो कि NH की रोड है, और आप NH की रोड की हालत देखिए। यहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इस रोड की हालत इतनी ख़राब है कि कभी भी कोई बाइक वाला एक्सीडेंट बाइक वाले की हो सकता है, बाइक वाले के साथ कोई हादसा हो सकता है, गाड़ी वाले के साथ कोई हादसा हो सकता है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर कितनी भयंकर जो है NH की लापरवाही है। NH ने यहाँ पर अभी तक इस रोड का नहीं करवाया, और रोड ये नई टी हनुमान चौक से लेके और आगे तक पूरी खराबी है। अभी मैं आपको पूरी रोड दिखाता हूँ। ये आप देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हो रखे हैं इस रोड पर। ये NH की रोड है और नेशनल हाईवे ये जा रहा है, और नेशनल हाईवे की जब ये हाल है तो अन्य रोडों को क्या होता होगा। ये नेशनल हाईवे की रोड है और नेशनल हाईवे की रोड आप देख सकते हो, नेशनल हाईवे की रोड आप देखिए, ये नेशनल हाईवे की हाल है। इस रोड पे इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों में रोड है या रोड पे गड्ढे हैं ये पता नहीं लग पा रहा है। ये NH की रोड की हाल है, जहाँ से कई गाड़ियाँ मंत्रियों की संतरियों की भी गुजरती होंगी, प्रशासन की गाड़ियाँ गुजरती होंगी, उसके बाद इस रोड की यह हाल है। मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि वो NH को इस संबंध में बोलें और यहाँ पर जल्द से जल्द इस रोड का को सही करवाया जाए, इस गड्ढों को भरा जाए, ताकि जो है लोगों की सुविधा में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लोगों के टैक्स से ही रोडें बनती हैं, और अगर लोगों को ही सुविधाएँ नहीं मिलेंगी तो इस देश का भला नहीं हो पाएगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।